टॉपिक की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी कॉशन। तो रेस्पिरेटरी कॉशन जो है ये रेशियो है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड इन रेस्पिरेशन टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन इट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बाय यूनिट टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म। तो हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी कॉशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड ओवर अ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो लिबरेट होती है। रेस्पिरेटरी कॉशन कैन बी यूनिटी मोर देन वन, एक से ज़्यादा हो सकता है, यूनिट में भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इन्फिनाइट हो सकता है। रेस्पिरेटरी कॉशन अलग अलग मतलब सबस्ट्रेट्स के लिए, जैसे इक्वल वन कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, उसके बाद अगर हम फैट्स और प्रोटीन के बारे में बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन के कारण जर्मिनेशन होती है जब फैटी एसिड्स की है ना, तो एक से कम होता है फैट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए भी एक से कम ही है, 0.9 समथिंग होती है रेशो है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें जीरो के इक्वल किसका होगा, तो कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टू ऑर्गेनिक एसिड जब ऑक्सीजन यूटिलाइज्ड होती है बट कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व नहीं होती है इन सस्सुलेंट वेयर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज यूटिलाइज्ड इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, तब जीरो के इक्वल होता है। अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड्स की तो ऑर्गेनिक एसिड्स में वन से ज़्यादा होता है ना, 4.0 समथिंग। अगर हम इन्फिनिटी की बात करें तो इन्फिनाइट किस में होता है रेस्पिरेटरी कोशन, कार्बोहाइड्रेट्स में ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती बट कार्बन डाइऑक्साइड जो वो रिलीज होता है, जैसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इन्फिनाइट होगा रेस्पिरेटरी कोशन। ओके, तो ये सारा था। तो रेस्पोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज़ किया जाता है मेरिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एज वेल एज अ रेस्पिरेटरी कोशन, और कॉमन टाइम इज गैनोग्स रेस्पिरोमीटर। और रेस्पिरेटरी कोशन फॉर मिक्सड डाइट कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन इज अबाउट 0.85। ओके, तो ये सारा था रेस्पिरेटरी कोशन के बारे में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 12 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स यूनिट 4 का सेकेंड चैप्टर फिनिश होता है।